बर्ड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगी। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके लिए सरप्राइज़ है एक, तो वो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। तो आज वो सरप्राइज़ शेयर करने की बारी आ चुकी है, तो हम ज़रूर आपसे शेयर करते हैं। तो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं दुबई से, उनको गए हुए 6 मंथ हो चुके, 6.5 मंथ हो चुका है, और फाइनली वो अपने घर वापस आ रहे हैं। आपने देखा होगा मेरे किसी भी वीडियो में, व्लॉग्स में नहीं थे वो। उसका रीज़न यही है कि वो यहाँ पर नहीं थे, जिसकी वजह से आप उनसे नहीं मिल पाते थे। तो वो आ जाएंगे तो आपसे ज़रूर मिलवाएंगे, और उनकी आने की तैयारी भी हो रही है, उनकी फरमाइश के घर में खाना भी बन रहा है, और उनकी फरमाइश पे घर में क्या खाना बन रहा है वो भी ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड घर आ रहे हैं, और उनकी आने की खुशी ही कुछ और है। आप यकीन करेंगे कि बहुत बहुत खुश हूँ कि फाइनली वो वापस आ रहे हैं अपने बच्चों के बीच। आप जानना चाहेंगे वो दुबई में क्या कर रहे थे, तो वो दुबई में जॉब करने के लिए गए थे। दुबई में आपने सुना होगा फेस्टिवल होता है ग्लोबल विलेज, तो मेरे हस्बैंड उसके लिए गए हुए थे। तो वो होता है सिक्स मंथ का होता है, लेकिन वो जब बढ़ जाता है तो कभी वो 15 दिन 16 दिन इस तरह से बढ़ता है। तो ट्रेजेडी ये थी कि उनको क्यों दुबई जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ उनके पास जॉब नहीं थी। क्योंकि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तो बहुत क्राइसिस में गुजर रहा था सब टाइम, उनकी जॉब छूट गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी आए हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो फिर जब ये ऑफ़र आया तो उन्होंने मना नहीं किया, तो वो चले गए थे, और फाइनली वो घर वापस आ रहे हैं, थैंक यू गॉड। और आप सब दुआओं में याद रखिएगा उनको कि वो खुदा की फजल से, सलामती से, खैरियत से अपने घर पहुंच जाए अपने बच्चों के दरमियान। और खाने में उनके लिए क्या बन रहा है वो भी आपसे शेयर करते हैं। और बच्चे तो बहुत 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 खुश हैं क्योंकि पापा घर पर आ रहे हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली मेरे हस्बैंड घर आ रहे हैं। तो उनसे भी आपको ज़रूर मिलवाते हैं, मिलवाते नहीं, जब वो आ जाएंगे ज़रूर मिलवाएंगे। तो मेरे साथ आज वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो वॉच करिएगा, तो फिर आपको दिखाते हैं कि हम आज खाने में भी उनके लिए क्या बना रहे हैं, और उनका सेलिब्रेशन, उनके आने का हम लोग किस तरह से करते हैं वो भी ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। ये जो मैंने अपना चैनल खोला था, तो ये चैनल जो मैंने खोला था उनकी सपोर्ट करने के लिए, कि मैं उनको सपोर्ट करना चाहती थी, ताकि जो जब ये चैनल चले तो इससे जो हमारा इनकम आएगा उससे हमारी ज़िंदगी आसान हो सके। तो ये मैंने इसलिए जो है चैनल को खोला है, और आप सब लोग दुआ करिएगा कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो खुदा उनके लिए कोई जॉब का वसीला बनाए, कोई ज़रिया बनाए, ताकि वो यहीं पर रहकर अपने बच्चों के साथ घर गृहस्थी को चला सके। क्योंकि हस्बैंड के बिना घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, लाइफ बहुत टफ़ हो जाती है, क्योंकि ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता, और जिनके भी हस्बैंड बाहर हैं वो भी इस चीज़ को समझेंगे कि वाकई ही बड़ा मुश्किल होता है छोटे बच्चों के साथ, उनको स्कूल लेकर जाना, उनको लेकर आना, उनके साथ जो है वो सारा दिन घर के काम करना, बाहर से सब कुछ लाना, और बहुत टफ हो जाती है लाइफ। तो प्लीज़ 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 मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया, आपको वापस बता रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और आपके सपोर्ट की, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो
तो ये बात मैं चाहती थी कि मैं आपको तब बताऊं जब वो आ रहे होंगे। तो प्लीज़ आप सब लोग जो है मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाऊँगी। तो आज की वीडियो तो पूरी, क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी है तो कुकिंग और ये सब बहुत लंबी हो जाएगी, तो कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियो हो। तो आज की वीडियो यकीनन आपको मेरी पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप सब लोग दुआ करिएगा कि खुदा जो है उनके लिए यहीं के पे कोई रोज़गार का ज़रिया बना दे, ताकि उनको वापस ना जाना पड़े, क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाहते हैं। वो भी वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि उनका बच्चों के बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि वो बच्चों के बिना नहीं रहते हैं। और ऑफकोर्स घर से दूर होना और परदेस काटना कोई आसान काम नहीं होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा टफ होता है कि परदेस काटना। तो बस अपने हस्बैंड के लिए वापस से बोलूँगी, बस अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो खोला तो है, चैनल बनाया तो है, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है मुझे। तो प्लीज़ 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 मेरे लिए सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बाकी के वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आज हम उनका वेलकम कैसे करेंगे और उनके लिए खाने में क्या बनेगा उनकी फरमाइश का, तो वो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। प्लीज़ आप हम सबको, क्योंकि बच्चे भी पापा के बिना नहीं रहते हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की छोटी सी वीडियो है, और आपको पता है ज़िंदगी के मामले किस तरह से होते हैं और बहुत टफ है लाइफ को गुजारना। 3 बच्चे हैं और इनके स्कूल है, ट्यूशन्स हैं और बाकी के सारे मामले भी हैं, तो जिसकी वजह से मैंने ये जो है चैनल को बनाया था ताकि मैं अपने हस्बैंड का साथ दे सकूं। तो प्लीज़ आप भी मेरा साथ दीजिए इस जर्नी में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और ये फुल वीडियो वॉच करिएगा, और बाकी का जो शेयरिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।